अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो जुमा मुबारक जी। अभी मैं जुमा पढ़ के फ्री हुआ हूँ तो मुझे एक बंदे की कॉल आई है। वो था शायद, पता नहीं, मैं उसकी आइडेंटिटी नहीं बता रहा। वो बोल रहा था कि मैंने ईरान जाना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक मिनट में बताता हूँ कहीं रुक के सारी स्टोरी। खैर ये देखिए, अभी अभी बारिश हुई है यहाँ पे, और बारिश होने के बाद जो एक सीन है ना वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। सूरज अभी बादलों के पीछे छुप चुका है जी, इसलिए आपको ये शाम का एक खूबसूरत सा मंजर नजर आ रहा है। अच्छा, बाकी मैं आपको एक बात बता रहा था, तो ऊपर से ये बारिश होने की वजह से ना वो सीन थोड़ा मिस हो गया। अभी एक बंदे की कॉल आई जब मैं जुमा पढ़ने जा रहा था, उसने कहा कि यार मैंने ईरान जाना है और ईरान में ये क्लब वगैरह और ड्रिंक श्रिंक लड़कियाँ मिल जाती हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसी हरकत गलती से भी मत करना, क्योंकि ये मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों के माइंड में हो, मतलब अक्सर सोच लेते हैं ना कि बाजू का टूरिस्ट होते हैं, तो भाई इस तरह की बात अगर आप ईरान में जाके भी करें ना तो आपको उठा लेंगे और पकड़ लेंगे। और उनकी पता है, उनका सजा का सिस्टम इतना एडवांस है कि वो 3 दिन के ऊपर रखते भी नहीं कैदी को ना, उसको फ़ौरन 3 दिन में सज़ा सुना देते हैं। और वो चाहते हैं कि अगर इस तरह का मुजरिम हो ना जो ये जना करे या ड्रिंक वगैरह, तो उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं। लाइक ऐसी सजा जिसमें जामे मस्जिद के सामने लटका दिया जाए, या एक इबरतनाक सजा जो होती है वो वाली। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। कल छोटा सा एक नुकसान क्या हुआ था आईफोन का, यार सीन ये हुआ कि पहले तो मैं बता देता हूँ, तारफ करवाया नहीं है, मैं शुरू हो गया। अच्छा खैर जी, मैं इस टाइम मौजूद था बहावल नगर और मेरे नाल भाई शाफर भी मौजूद हैं जी। एक यूट्यूबर है, उन्होंने चैनल के लिंक भी मैं दे दिया डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। पीछे भाई तैयार बुरी हैं जी। तो बाकी सीन कुछ ये नाजरीन के ना होया ये सी कि कल अचानक मैं मोबाइल यूज़ कर रहा और अचानक मैंने देखा ना तो स्क्रीन जो ग्रीन हो गई, वो पिक्चर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो मैंने, मुझे लगा कि यार ये सॉफ्टवेयर का कोई मसला, क्योंकि मैंने उससे एक दिन पहले तो ISO 16 से पता नहीं 17 या क्या वो किया था। तो भाई वो काफ़ी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये कॉमन फॉल्ट है और अक्सर आईफोन जो सीरीज़ है ना 13 और 14 इसमें ये आ रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने लाहौर रब्ता किया और पता चला कि जनाब इसका जो है ना पैनल के पीछे कुछ होता है वो ख़राब हो गया। तो अभी मैंने भी अपडेट किया और मैं अभी डर रहा हूँ। हाँ भाई, और वैसे राती बार बार उठी तो होगा, स्क्रीन ग्रीन तो नहीं हुई, फिर समझ आता हिसाब लगाओ। और वैसे जल्द मेरा ख़राब है, जिन्हें जिन्हें को आईफोन उन सारे नींद उड़ी हुई हैं कि साड़ी वारी है उन्हें, लेकिन कोई नहीं, खैर है जी। तो आज वो शॉप पे, कल मैं आया तो शॉप पे मोबाइल दे गया, आज यहाँ से मिल गया भाई ठीक ठाक, चंगा रिपेयरिंग का खर्चा है, पैनल तुम्हें पता कितना महंगा है। खैर शाफर भाई, आज कितने लेके आए हो तुम? सर इस टाइम आप आए हैं खान बनू, जड़ा है ना इतने पुलाव बनता है, ठीक है जी। बहुत ही इन्हों का जायका बहुत अच्छा है, आज मैं आप टेस्ट करांगे काबली पुलाव। हाँ एक काबली पुलाव यार, काबुल का नाम लेना सानू, वैसे अफगानिस्तान मुझे ना याद आ रहा है, लेकिन इन्हां दा जायका बहुत अच्छा है, बहुत कमाल दा है। ठीक हो गया, मिक जी जड़ी विच पांदे है ना, हाय हाय कमाल है। हां बंदा कहंदा एक प्लेट और, ठीक हो गया, आज यूं ही होएगा। चलो बेस्ट हो गया भाई, चलो फिर आज तुहानू भी खाने। हां बेसिकली चौक है जी, बावली चौक इसका नाम है जी। यहां पे गुजरते हुए एहतियात कीजिएगा, वरना ये लोग जिन्हें वो बंदा नहीं कबूतर गुजरे तो बिल्ली झपट्टी मार दिए भी, हमें झपट्टी मार दें ट्रैफिक पुलिस वाले। बाकी ये है जी वो जान बीफ पुलाव, यहाँ से आज वो खाते हैं जी, आपको भी दिखाते हैं। शाफर भाई के ना इंस्ट्रूमेंट चेक कर। हाँ जी भाई, क्या कुछ इकट्ठा किया हुआ है? बोया के माइक है। क्या बात तो है यार, चेक कमाल के हैं, जबरदस्त यार। ये दूसरा सादा माइक है ये, हाँ ये थोड़ा सस्ते वाला है ना, ये थोड़े, लेकिन ये बोया के है, बिल्कुल बोया के है। ठीक हो गया। ये 2 TB की एक USB है, MI की 2 TB की, 2 TB की है। क्या बात है, शामी की। ये कितने की ली थी आपने भाई? यार ये तब मैंने ली थी 9000 रुपए की, अभी आई थिंक और थोड़ा महंगी हो गई, अब तो काफी महंगी हो गई। ये 1 TB की है। अच्छा, ये 1 TB की है, Xiaomi की। ये है कि आप अपना मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो और इसके साथ वो माइक भी लगा, माइक भी लगा सकते हो, दोनों चीजें। अच्छा अच्छा, ये वो चीज है, ये सादी USB को OTP को आप आईफोन के साथ जो है यूज कर सकते हो। हां ये वो आ गया, उसके साथ ये बोया का। यार इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, टाइमिंग कितनी, कितने का मिला और क्या सीन? सर ये मैंने लिया था 16000 रुपए का। अच्छा पहले, ठीक है, और में क्या, ठीक है। इसकी टाइमिंग जो है लगातार अगर आप यूज करेंगे तो 9 से 10 घंटे, ठीक है, 9 से 10 घंटे आप लगातार इंटरनल मतलब कर सकते हैं, ठीक है। डब्बे में जो बताया गया वो 16 घंटे बताएगी, ठीक है, लेकिन मैं तो भूल जाता हूँ इन्हें चार्ज करने के बाद।
सही, कोई महीने बाद इन्हें दोबारा मैं चार्ज कर, ये आपको ये भी दोनों चार्ज करनी होंगे और ये भी चार्ज करना, अच्छा सिर्फ ये दो चार्ज करने पड़ते हैं, ये तो मोबाइल से करंट लेता है, और ये दोनों ये होता है कि मैं अकेला हूँ, ठीक है, पहले ये यूज करता हूँ फिर ये यूज करता हूँ, अगर आप लोगों ने जैसे हम दोनों हाँ दो लोगों की बात कर रहे हैं तो फिर हम ये दोनों ठीक है, लेकिन ये इतनी कमाल की वॉइस है इनकी, ठीक है, उनका जो बैक नॉइस जो है टोटली ऑफ कर देते हैं, क्या बात है, मैं तो हर यूट्यूबर को बोलूंगा मैंने ये जो एप्पल की वॉच ली है ये मैं इसलिए यूज करता हूँ कि स्टैंड पे कहीं पे मोबाइल लगा के अकेले हो ना तो आप सारा कैमरा आप इसके साथ जो है ना वो देख सकते हो, क्या कुछ आ रहा है सर हर चीज ये देख, अच्छा ये मैंने अपना मोबाइल रख दिया है सारा, ठीक है मैं आपको दिखाऊँ, क्या बात है भाई दिखाई दे रहा है यार, उसमें इसके अंदर ये आप ये जूम कर सकते हैं, अच्छा इसको जूम करना है, वीडियो को बंद करना है, क्लोज करना है, सब कुछ आप इससे कर सकते हैं, क्या बात, ये कुछ चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए जब आप नॉर्दर्न एरियाज में या आउट ऑफ कंट्री व्लॉगिंग के लिए जाते हैं, अच्छा तो ये कितने की मिली और ये मॉडल कौन सा है, ये एप्पल आईफोन 8 मतलब ये जो एप्पल की अल्ट्रा 8 वॉच अभी लेटेस्ट जो है ये वो वाली है, हाँ ये वो है, मुझे 2,95,000 की मिली है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं, सही, इन केस इसका इसका माइक भी बहुत अच्छा है मैं ये भी बता दूँ, अच्छा अगर आप ये माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं आपने कैमरा कहीं दूर लगाया होगा इसको आप एज अ माइक भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको, कमाल है यार कमाल है, क्या बात है भाई, बातें काफी हो गई लेकिन अभी पेट पूजा थोड़ी करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये काबली पुलाव ही है, काबली पुलाव तो नहीं बीफ पुलाव इसको बोलते हैं, और ये नई कोई ब्रांच बनी है हमारे बावल नगर में, पहले तो यहाँ पे हम नहीं आए खास, मैं तो पहली दफा ही आया हूँ, अभी ऑर्डर दे दिया गाइस, ऑर्डर जो है वो आ रहा है, 3 प्लेटें 3 पाव यानी 1 पाव की 1 प्लेट होती है बीफ पुलाव की, और यहाँ पे जो प्राइस है वो 1 पाव की तकरीबन 200 रुपये है, काफ़ी अफोर्डेबल है, महंगा बिल्कुल नहीं है, अफ्रीका से तो पाकिस्तान बहुत सस्ता है, लेकिन मसला ये है ना कि अफ्रीका में आपको पता है कि वहाँ पे उनकी इनकम भी उतनी ज़्यादा है जितनी महंगाई है, यहाँ पे महंगाई ज़्यादा और इनकम कम है, खैर ये हमारा आ गया जी, ये रहा जी ये पाव है, हाँ ये पाव है भाई, इसकी ना प्लेटें बड़ी हैं इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है, जब आप खाओगे तो आपका इसी से पेट भर जाएगा, साथ रायता भी आ गया जी इसके, वाकई गाइस टेस्ट तो कमाल का है गाइस, तो फाइनली हम लोग जो है ना वो खा के फ्री हो गए, पुलाव बीफ पुलाव वाकई ज़बरदस्त था भाई, अभी यहाँ से बैग मैं क्या पता डर गया मैं, आप समझा गड्डी टूट गई, नहीं सही है भाई, भाई कह रहा था कि 14 प्रो मैक्स में ना एक और मजा है, मैंने कहा क्या कहता वीडियो ऐसे ऐसे नहीं होती, मैंने कहा भाई उन तेरा ऐसा भी गंदा नहीं है, भाई मेरे को है कि नहीं सही गलत तो सब गोली मारनी है, तो खैर शाफर भाई अब किधर जा रहे हैं हम लोग, ये पेट्रोल पंप है यहाँ से हम कॉफी पियेंगे, ठीक है ये अपना जाती है रिलेटिव है, तो यहाँ पे एक तो हमें कॉफी अच्छी मजेदार मिलेगी, ठीक हो गया, तो फिर हम वापस बहरहाल ना जी, बहावल नगर की शाम और बहावल नगर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एक तो मैंने FSC यहाँ पे की थी, 2 साल वहाँ पे रहा हूँ, ठीक है भाई, और दूसरी बात ये कि ना एक पर्सनली एक सिटी के साथ लगाव होता है, इतनी दुनिया की कंट्रीज देखे हैं लेकिन ये वाला मज़ा कहीं नहीं आया, अब इसका मतलब उल्टा मत समझ लीजिएगा कि साड़ी को पुरानी मोहब्बत देते था ऐसा कोई रोड़ा नहीं, यहाँ से हम भजन कॉफ़ी लेंगे, ठीक है ठीक है, ये कॉफ़ी बड़ी मज़े की है, बेहतर है चले आ जाए, आ जाए कॉफ़ी पीते हैं, ठंडा मौसम हो रखा है भाई, कमाल है यार यहाँ पे, तो यहाँ से फाइनली चाय बना रहे हैं जी, सॉरी काफी तैयार हो रही है, ये हिरन रही जी, चेक आउट दिस, फाइनली काफी ले लिए जी, अब यहाँ का जो ओनर है पेट्रोल पंप का उसके पास जा रहे हैं, सही हो गया भाई, अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ये ओनर हैं पेट्रोल पंप के जो हमारे आगे आगे जा रहे हैं जी, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है,
तो फाइनली गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं। सीन कुछ ये था कि इनके वो कज़न थे भाई जिनका ये सारा बिजनेस सेटअप था, तो वो लोग ये करने लगे कि उन्होंने ना ये एक ब्रॉडकास्ट के लिए चैनल वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, एक प्रॉपर स्टूडियो भाई, सोनी के कैमरे, लाइटा, माइक्स, ये वो चंगा ना समझे ना कि पैसा पूसा ला के चैनल स्टार्ट किया हुआ। तो बस वही देखा, कैमरे वगैरह वो अपने दिखा रहे थे, थोड़ा टाइम यहाँ पे लग गया। भाई जान पेट्रोल पा रहे हो बस वापस घर की तरफ ही निकलते हैं जी यहाँ से। वैसे बाइक पे तो हमने सारी उम्र सफर किया है, वहाँ पे तो घंटा ही लगता है, गाड़ी का पता नहीं, असि स्कूटर है सानू की पता कार का कितना टाइम लगता है। गाइस सीन चेक करो, यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के बाद भी आपको रसीद मिलती है, शायद ये गाड़ी वाले को मिलती है, हमने तो आज तक स्कूटर में डलवाया है। क्या पता पहली दफा मुझे मिली है हमारे लिए इस तरह। लो भाई